राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला कविता मंजरी। इस श्रृंखला में सुनते हैं सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह की कविता बनारस। आइए सुनते हैं कवि केदारनाथ सिंह की कविता बनारस का भाव वाचन। इस शहर में वसंत अचानक आता है, इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुख बुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? ये शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है ये शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। कभी सही सांझ, कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्ध, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में
किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। बनारस। अभी आप सुन रहे थे ये कविता, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर लालचंद राम, संयोजन डॉक्टर अभय कुमार, कविता वाचन सुचित्रा गुप्ता, ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन एवं निर्माण अजीत होरो। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के सौजन्य से प्रस्तुत किया गया।